उत्तराखंड में प्रकृति के संरक्षण का पारंपरिक पर्व है हरेला। हरेला यानी हरियाली। इस बार यह पर्व 16 जुलाई को है और यह दिन विशेष बनने जा रहा है। बागेश्वर जिले में राज्य सरकार और प्रशासन की पहल से हर परिवार को दो दो पौधे भेंट किए जाएंगे। परिवारों को ही रोपित फलदार पौधों की देखभाल भी करनी होगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से निपटने के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए भी उदाहरण बन सकता है। इस वर्ष पर्व को सफल बनाने और पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए पौधों की रक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन भी संकल्प शक्ति से करना होगा। उत्तराखंड में यह पहला अवसर है जब प्रत्येक परिवार को दो दो फलदार पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरेला पर्व को भव्य तरीके से मनाए जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने 5 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। हर परिवार को पौधे देने के साथ ही उन्हें इन पौधों को पेड़ बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया जाएगा। एक योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से उद्यान और वन विभाग के माध्यम से पौधे ग्राम पंचायतों को वितरित होंगे। उद्यान विभाग की नर्सरी में आम, माल्टा, नींबू, संतरा, लीची के अलावा वन विभाग की नर्सरी में बांज, उतीस, नीम, आंवला आदि के पौधे भी इसके लिए तैयार किए गए हैं। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम पर्यावरण की रखवाली, हर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली तय की गई है। वृहद पौधारोपण कार्यक्रम 16 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा और हरेला पर्व के दिन मुख्य कार्यक्रम जिला परिसर के समीप आयोजित होगा। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए उत्तराखंड की यह पहल स्वागत योग्य है।